नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। बकरियावली गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के 3 अध्यापकों पर छेड़छाड़ के मामले की जांच के लिए आज जिला प्रशासन की तरफ से SDM सिरसा यहां पहुंचे हुए हैं। जयवीर यादव यहां उन्होंने पेरेंट्स से वो बात कर रहे हैं और इसके अलावा जो स्टाफ हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। लगभग 4 घंटे से यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है। अब देखना ये होगा कि मीटिंग के बाद क्या एक्चुअल में सामने आता है, क्या इस मामले के अंदर कार्रवाई होती है या कुछ अलग बात सामने आती है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर अब तक की जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो यही है कि यहाँ पर यह मामला जो है वो एक पंचायती तौर पर निपटाने का एक प्रयास चल रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला जो है निपट सकता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले 4 घंटे से SDM सिरसा जयवीर यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं और मामले की इंक्वायरी के लिए यहाँ पर पेरेंट्स को भी बुला रखा है। छः फरवरी को यहाँ की जो छात्राएं हैं, 10वीं क्लास की छात्राएं हैं, 4-5 छात्राओं ने यहाँ पर यहाँ के 3 अध्यापकों पर छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया था, लिखित में उनके पेरेंट्स के माध्यम से शिकायत भी यहाँ पे दी गई थी और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे और इसके बाद आज SDM सिरसा यहाँ पहुँचे हुए हैं। 3 अध्यापक जिनके खिलाफ़ ये आरोप थे उसमें एक अध्यापक इसी गांव के हैं और वो प्रदीप बाना जो कि गांव के अंदर निजी स्कूल भी वो चलाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई होती है। चार घंटे लगातार यहाँ मीटिंग चलने के बाद अब मीटिंग समाप्त हो चुकी है। SDM यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि हमने उनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी खामोशी जो है ये मामले की लीपापोती समझी जाए या फिर इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।